हाय गाइस, स्वागत है आप सभी के आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं को बताऊंगा, यहाँ बहुत सारे आदमी होते हैं तो पैन कार्ड ऑनलाइन बना कर अपने घर तो मंगा लेते हैं, उनको ये पता नहीं रहता मेरा पैन कार्ड वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। फ्रेंड्स, आज की सुनिए बताने वाला हूँ पैन कार्ड को कैसे वेरीफाई किया जाता है, आज की सुनिए में दिखाने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करेंगे तो इसके लिए आपके यूट्यूब से ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आपको सुन पेंगे। इसके लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। मैं यहाँ चलिए गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल में आपको यहाँ टाइप करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चलिए यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लिखते आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे इस तरह का पेज खुलकर आपके पास आएगा, ऊपर की साइड में इनकम टैक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे फिर से आपके पास दूसरा पेज खुलकर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कट का ऑप्शन, यहाँ कट पर क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे सेट के ऊपर जाना, यहाँ पे थोड़ा ऊपर की साइड यहाँ पे है वेरीफाई योर पैन डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको पैन नंबर डालना, पैन नंबर जो पैन कार्ड में जो नाम हो फुल नाम यहाँ पे डालना, जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ वो डालना। यहाँ पे स्टेटस में आपको कौन सा कंपनी का पैन कार्ड इंडिविजुअल के, जो कंपनी का पैन है वो कार्ड कंपनी यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं ज़्यादा क्यों इंडिविजुअल यहाँ पे रहता है। यहाँ पे एक कैप्चा को नीचे में डालना है, स्मॉल या कैपिटल में जैसा वैसा ही डालना। चलिए यहाँ से मैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं भर लेता हूँ। यहाँ पे स्टेटस में आपको डालना है जो कंपनी का पैन कार्ड इंडिविजुअल है या जो कंपनी का पैन कार्ड वो कंपनी यहाँ पे टाइप करेंगे। ज़्यादा तो यहाँ पे इंडिविजुअल रहता है, मेरा इंडिविजुअल यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल यहाँ पे टाइप करा। अब ये कैप्चा को यहाँ पे टाइप करना है, जैसा वैसा ही कैप्चा डालना है, कुछ गलत नहीं करना, नहीं तो यहाँ पर फेल्ड कर देगा। चलिए यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैं कैप्चा यहाँ पर। ये पूरी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक मैसेज फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिख गया। चलिए मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ लिखा है पैन इज़ एक्सेप्ट एंड दिस डिटेल्स एयर मैच विथ पैन, यानी कि मेरा कह रहा है ये जितना भी डाटा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरा ये डाटा यहाँ पे ले लिया है, यानी कि यहाँ पे मेरा पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। फ्रेंड्स, ये मैसेज यहाँ पे देता है। अगर यहाँ पे आपका पैन कार्ड वेरी नहीं होगा तो यहाँ पे रेड कलर आपको दिखा देता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हरा टिक यहाँ पर लग गया, यानी कि मेरा पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ से किसी भी फैमिली मेम्बर का आप चेक कर सकते हो, आपका कोई सा फैमिली मेम्बर या फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर किसी का भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, मन में कंफ्यूजन कमेंट करके पूछ सकते हैं।